सो है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम क्लोज फ्रेंड हाइलाइट टू पब्लिक। मतलब कि आप इंस्टाग्राम क्लोज फ्रेंड हाइलाइट को पब्लिक कैसे कर सकते हो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी हाइलाइट ने डाल रखी है और क्लोज फ्रेंड में भी डाल रखी है। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैं प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो गाइस यहाँ पर मैंने मतलब क्लोज फ्रेंड में कोई भी स्टोरी नहीं डाल रखी, सभी पब्लिक स्टोरीज डाल रखी है। तो गाइस आप किस तरीके से वो कर सकते हो वो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये मेरी जो स्टोरी है ये क्लोज फ्रेंड में है, तो गाइस यहाँ पर मैं इसे ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये जैसे कि मेरे मतलब क्लोज फ्रेंड में, ये जैसे कि मेरी क्लोज फ्रेंड में स्टोरी है। तो गाइस इसे आप पब्लिक करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको मतलब कि यहाँ पर क्या करना है कि इसे जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है पहले तो स्टोरी को। स्टोरी को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको वापस एक बार मतलब इससे डाउनलोड कर लेना है हेडलाइट को। फिर बाद में आपको इसे वापस मतलब कि हेडलाइट में डाल देना है, जिससे कि ये मतलब पब्लिक में डाल सकते हो। एक तो तरीका ये हो चुका है। फिर बाद में आप क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर एक तरीका ये है और ये काम नहीं कर रहा है, दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हो या यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करते हो, तो गाइस यहाँ पर एडिट प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करते हो, तो गाइस यहाँ पर आपको मतलब कि यहाँ पर यहाँ पी पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर क्लोज फ्रेंड का जो स्टार आता है, तो गाइस यहाँ पर स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, और गाइस यहाँ पर आपके जो क्लोज फ्रेंड में आते हैं तो गाइस उनको जिन जिन को मतलब कि आप स्टोरी दिखाना चाहते हो मतलब हेडलाइट दिखाना चाहते हो उनको आपको क्लोज फ्रेंड में ऐड कर लेना है। उनको पता भी नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं जाएगा, और आप इस तरीके से पब्लिक कर सकते हो। सभी को कर देना है तो क्लोज फ्रेंड में कौन रहेगा, सभी मतलब पब्लिक ही हो जाएगी। गाइस ये दो तरीके हैं जिससे कि ये कर सकते हो। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो नॉलेजफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।